हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे अक्षय नवमी की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहा जाता है। इस वर्ष अक्षय नवमी 21 नवंबर दिन मंगलवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले के पेड़ पर ही निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन स्नान, पूजा, तर्पण और अन्नादि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी को धात्री नवमी या कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय नवमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। 21 नवंबर को नवमी दिन भर है, इसलिए दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय नवमी की पूजा विधि क्या है। अक्षय नवमी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प लें। व्रत संकल्प के बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद ओम धात्र्यै नमः मंत्र से आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करें, फिर आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। इसके बाद अक्षत, पुष्प, चंदन से पूजा अर्चना कर और कच्चा धागा बांध कर कपूर, बाती या शुद्ध घी कथा सुननी चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद इसी पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद परिवार सहित स्वयं भी भोजन करें। उसके बाद सफेद कुम्हड़ा यानी कुष्मांड के अंदर रत्न, रुपया आदि रख कर संकल्प करें। इसके बाद ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड दे दें। फिर पितरों को सर्दी से बचाने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कंबल आदि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।